नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। नमस्कार, मैं राशिका बजाज और आप देख रहे हैं जीएन भारत। बिशुनपुर प्रखंड के शहीद ग्राम चिंगरी में ऐतिहासिक पुष्प पंचमी मेला का आयोजन किया गया। आयोजन समिति के अध्यक्ष अजित उराव की मेले का आयोजन पिछले कई दशकों से किया जाता है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मेले का आयोजन किया गया है। यह मेला चिंगरी मेले के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ क्षेत्र लोग अपनी खेती बाड़ी धान पुआल को खत्म करने के बाद दूर दूर से लोग मेला के माध्यम से एकजुट होते हैं और दुख सुख का आदान प्रदान करते हैं। साथ ही अपनी बेटा बेटियों की विवाह करने के लिए शादी की सामग्री खरीदने के लिए भी पहुँचते हैं। पूर्वजों का कहना है कि इस मेले में छोटे बच्चों का कान नाक छिदवाने से शुभ होता है, इसलिए लोग पंचमी मेला का इंतजार करते हैं। साथ ही अपने दूर दूर के रिश्तेदारों से मिलकर अपना दुख सुख को साझा करते हैं। इस मेले में कई तरह के खिलौने और रंग बिरंगी मिठाइयाँ भी लेकर व्यापारी पहुँचते हैं और 3 दिवसीय मेले में मेले के साथ आनंद लेकर अपनी व्यापार करते हैं। मेले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर वॉलंटियर तैनात किए गए ताकि मेला पहुंचने वाले लोग व व्यापारियों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। इस मौके पर अजय लकड़ा, करमचंद भगत, आशिक लकड़ा, विष्णु दयाल उराव, चंद्रेश उराव, विनोद बड़ाई, अंजनी देवी, किमैत देवी, हीरा मुनि देवी, जितेंद्र चिक बड़ाई, विश्वास लोहरा, राजेश उराव सहित कई लोग शामिल थे। पुष पंचमी में मेला लग गया, सब दिना से लगते आवत है, पहले से लगते आवत है। वास्तविकता अनुसार एक ऐतिहासिक मेला है और समरसता का भावना को लेकर ये मेला लगता है। एक दूसरे से मिलना जुलना होता है और वास्तविकता ये है कि ये मेला केवल पुष पंचमी को ही लगता है, इधर उधर नहीं होता, केवल पंचमी को ही लगता है और लोगों से मिलना जुलना होता है, इसलिए ये मेला अच्छा है। चिंगरी मेला का विशेषता यही है कि ये बहुत वर्षों से लगते आ रहा है। प्रत्येक साल पुष पंचमी में ये मेला लगता है, लोग खेत खलिहान से निकलते हैं और इस मेला का आनंद लेते हैं। इसमें बहुत दूर दूर से अपने संबंधी मेहमान लोग आते हैं और आपसी भाईचारे के साथ इस मेला का लाभ। ग्रामीणों का कहना है कि यह मेला हर वर्ष लगता है और वह इस मेले का भरपूर आनंद लेते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें जीएन भारत के साथ। धन्यवाद।